कई बारी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में आपको एनलार्ज योग सैक करके मेंशन किया जाता है, तो ये एनलार्ज योग सैक क्या होता है आइए मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूं। देखिए जब प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के पांचवें छठे या फिर सातवें वीक पर होता है तो उसमें एक टाइमलाइन होती है प्रेगनेंसी की, झलके हमें दिखाई देती हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि प्रेगनेंसी प्रॉपरली ग्रो हो रही है। जानते हैं वो झलके क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जेस्टेशनल सैक दिखाई देता है, सेकंड योक सैक, थर्ड फेटल पोल, फिर हमें फाइनली बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है। आज की जो वीडियो है वो है एनलार्ज योक सैक। सो जब प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जो जेस्टेशनल सैक हमें दिखाई देता है, मतलब प्रेगनेंसी की पहली झलक, पहली झिल्ली हमें दिखाई देती है, तो इस झिल्ली के दिखने के लगभग 7 से 10 दिन के बाद इसी में हमें योग सैक दिखाई देता है। इस योग सैक का काम बच्चे को हर प्रकार का न्यूट्रिशन देना होता है जिससे बेबी शुरुआती स्टेज में अपने आप को ग्रो करता है, जब तक प्लेसेंटा बनता नहीं है जिसे हिंदी में अपरा कहते हैं, जो कि गर्भनाल से जुड़ा होता है जिसे एम्ब्लाइकल कॉर्ड कहते हैं। साथ ही इस योग सैक की जो आकृति है गाइस वो गोलाकार होती है। इसकी साइज की बात करें तो ये 2 mm से 6 mm तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 mm से कम आती है तो इसे स्मॉल योग सैक करके मेंशन किया जाता है, और अगर 6 mm से ज़्यादा होती है तो उसको एनलार्ज योग सैक करके मेंशन किया जाता है। इसका मतलब जो एनलार्ज योग सैक है वो 6 mm से ज़्यादा होगा, या फिर जो हमने एक्सपेक्ट किया है प्रेगनेंसी की टाइमलाइन में, अगर उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपका योग सैक आ रहा है तो उसे एनलार्ज योग सैक करके मेंशन किया जाएगा। सो एनलार्ज योग सैक का दिखना एक एबनॉर्मेलिटी ज़रूर है, लेकिन फर्स्ट स्कैन में ये कहना कि एनलार्ज योग सैक आया है और प्रेगनेंसी जो है वो फेलियर मिस्ड अबॉर्शन की साइड में या प्रेगनेंसी ख़राब हो गई है, वो कहना भी सही नहीं होगा। इसके लिए आपको दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने की एडवाइस दी जाती है। हो सकता है कि दोबारा अल्ट्रासाउंड आपका वजाइना के रास्ते से हो और कुछ टाइम के बाद हो, इमीडिएटली नहीं होता। सो जो ये वेटिंग का टाइम पीरियड है, हो सकता है ये 11 दिन का हो, हो सकता है कि ये 7 दिनों का हो सकता है कि ये 14 दिनों का हो। सो इस वेटिंग के टाइम पीरियड पर आपको कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं, प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट्स या फिर पैसरीज होती हैं वजाइनल इंसर्ट करने के लिए, बीटा एसीजी का इंजेक्शन देते हैं, आयरन सप्लीमेंट या फोलिक एसिड दिया जाता है। सो फाइनली जब टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो आपका दोबारा से स्कैन होता है और उसमें डिसाइड होता है कि आपकी जो फाइनली जो प्रेगनेंसी का स्टेटस है वो क्या है। देन रूल आउट होता है कि प्रेगनेंसी फेलियर है, मिस्ड अबॉर्शन है, ब्लाइटेड ओवम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको दोबारा से रीस्कैन कराना चाहिए। फाइनल जो रूल आउट है प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी स्टेटस का, वो क्या है फर्स्ट स्कैन पर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन एनलार्ज योग सैक जो आ रहा है वो फाइनली एबनॉर्मल है, वो तो क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।